इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका रमी कल्चर में ओपन नहीं हो रहा है एप्लीकेशन, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। जनरली लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है कि ऐप जो है उसमें ओटीपी नहीं जा रहा है, राइट। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मेरा ऐप तो लॉगिन है, राइट। बट देखिए प्रॉब्लम कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है मेरा ऐप, और देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि ओटीपी नहीं जाता है। तो अगर आपके ओटीपी नहीं आ रहा है और लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो रमी कल्चर का ऐप दिख रहा है ना उसको प्रेस एंड होल्ड करना है। प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ऐप इन्फो पे चले जाना है। ऐप इन्फो पे चले जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम फेस करेंगे और कैसे ओटीपी नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर आपको क्लियर कैचेस पर क्लिक कर लेना है और फिर आपको क्लियर डेटा पर भी क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से लॉगिन प्रॉब्लम करेगा। क्लियर डेटा पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐप को अपडेट कर लेना है, राइट। इसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो जब लॉगिन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा। रुक जाइए मैं दिखाता हूँ। सो ये देखिए अभी अभी क्या होगा कि आपको मोबाइल नंबर एंटर करने को कहेगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, ठीक है। ओटीपी वाला प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, एंटर करने के बाद भी मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है, राइट। सो ओटीपी आप देख सकते हैं बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 8 सेकेंड हो गया बट ओटीपी नहीं आ रहा है, राइट। ये देखिए पूरा सेकेंड कंप्लीट हो चुका है फिर भी अभी तक ओटीपी नहीं आया है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ भी कर लें जब तक आप ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। और उसके बाद फिर आपको एक बार क्या करना है, फ़्लाइट मोड ऑन करना है और उसके बाद फिर फ़्लाइट मोड को ऑफ़ कर लेना है। इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।